जैन हवेली अ ट्रेजर हिडन इन द डेप्थ्स ऑफ धर्मपुरा चांदनी चौक अनकॉन्शियसली वेस्टेड द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर डिपिक्टेड इन द स्ट्रक्चर. The Haveli was built in the 1920s, hence it provides adequate parameters of study due to longer existence. तो अंकल आपको ये हवेली बिलोंग कैसे करती है? लाइक आपने खरीदी है या पुश्तैनी है? है तो हमारी पुश्तैनी, परंतु हमने ये सोचा पुश्तैनी के अंदर क्या है, हमारा ये जो धर्मपुरा पूरा जैन समाज का है, जैनी में आज नाबार्ड में मंदिर बने हैं, इसके हिसाब से हमारी पुश्तैनी आ रखी थी उन्होंने, फिर ये प्रॉपर्टी हमारे दादाजी ने इसको बनाया. और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने पुश्तैनी जो यहाँ रहते थे उन्होंने हमें वहाँ से उड़ाया और बिजनेस के लिए, बिजनेस में हमारा कपड़े का व्यापार था, कपड़े का काम करते रहे हम. ये हवेली पहले कैसे हुआ करती थी और अब क्या क्या बदलाव आए हैं इस हवेली में? इस हवेली में पहले तो एक हमारी बैठक थी बाहर, उसमें उजाले खुला हुआ था. उजाले के बाद अब जो हमारे बुजुर्ग ने ग्राउंड पर सेकंड फ्लोर बनाया था यहाँ पर, और उसके बाद थर्ड और जो फोर्थ फ्लोर है हमने बनवाया है यहाँ पर हमारे फादर ने. अब उजाले तो बंद हो गया है बैठक से, अब वहाँ पर नाई की दुकान खुल गई. ग्राउंड फर्स्ट में से मकान मालिक रहते हैं और जो थर्ड और फोर्थ फ्लोर के अंदर किराया जा रहते हैं, और जब तकरीबन 10 फैमिली है यहाँ पर. तो अंकल आपका घर जो है ये हवेली अलग अलग मौसमों में कैसे काम करता है? गर्मियों के अंदर तो नीचे जो ग्राउंड और जो फर्स्ट है वो रहता है ठंडा, और जो सेकंड फ्लोर रहता है गर्म, और जब सर्दी आती है सर्दियों में नीचे का ठंडा हो जाता है ऊपर का गर्म. अंकल बारिश के मौसम में कोई प्रॉब्लम? बारिश के दिनों में कोई प्रॉब्लम? तो अंकल एक जैन फैमिली कैसे रहती है? मतलब जैन फैमिली तो नेचुरली इसलिए रहेगी, यहाँ पे आठ दस अपने जैन मंदिर है और जैन इसलिए रहना पसंद करता है ज्यादातर इस धर्मपुरे के अंदर, की सुबह उठ के मंदिर के दर्शन कर सके, शाम को भी जा सके मंदिर के अंदर. इस तरह के जैन मंदिर की वजह से हमारा यहाँ रहना हुआ. तो अंकल जब भी हवेली बनी थी तब कितने लोग रहते थे और अब कैसे लोग? हमारे जो दादाजी थे आप रहते थे, उनके दो लड़के हुए, फिर उनका परिवार बड़ा ग्राम फ्लोर में रहते रहे, सेकंड थर्ड फ्लोर इसलिए बनवाया था कि जैसे जैसे फैमिली बढ़ी उसमें मेरे से कुछ किराएदार भी आ गए मकान के. पहले जो हमारे दादाजी यहाँ पे रहते थे जब 10-12 जने रहते थे, अब हमारा परिवार बढ़ता गया, कुछ किराएदार बढ़ते गए, अब लगभग यहाँ पे 40-50 आदमी रहते थे. तो 40-50 लोग सब लोग कंफर्टेबली रहते हैं, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई. तो अंकल जैसे आप 1920 का बता रहे हो कि 1920 में बनी थी ये, तो तब कैसा सिनेरियो रहा होगा, मतलब कितने घर थे यहाँ पे? भाई जो हमारी बिल्डिंग है आपने देखा होगा बाहर गोल साहब की जो बिल्डिंग है इस समय वो बनी, उससे आगे जाओगे चार डेट के अंदर महावीर प्रसाद के नाम से बिल्डिंग बनी है, और ऐसी 2-3 बिल्डिंग और यानी कि बनी है. और अब अंकल मतलब कैसे लोग कैसे आते गए यहाँ पे? और अब तो पहले छीड़ रहती थी, अब भीड़ रहती है. तो अंकल क्या क्या चीजों में आपने इसमें रेनोवेशन करवाया? रेनोवेशन के हिसाब से तो ये की जो जब पुरानी बिल्डिंग थी उस समय लाल पत्थर से बनी हुई थी, उसके बाद मार्बल का फ्लोर डलवाया, दीवारों पे पहले प्लस्तर हुआ करता था, अब टाइलें वगैरह लगी हैं, बाहर एक बाथरूम भी बनवाया, ऊपर भी जो पहले हमारा फर्स्ट फ्लोर पे चारों तरफ से एक लोहे का जाल जो है अब भी है अधूरा, पहले पूरा होता था उसमें चारों तरफ का पूरा कंप्लीट जाल था, अब उसके अंदर उस जाल के अंदर देखोगे
जो रेलिंग लगी हुई है तोता मैने की जोड़ी है। तो लोग बाग तो आजकल जैसे आते भी है देखने के लिए अंग्रेज वगैरह ये जो भी कोई सोचते हो मुसलमानों का मकान है मुसलमानों को बनवाया होगा, परंतु उसी समय सैयद पीर का एक आला होता था। यहाँ पे जितने भी टोटल मकान आप देखोगे घरों के अंदर ज्यादातर यही आले बने हुए होंगे, सभी के घरों में वो जैन हो या मुस्लिम, कोई कोई चाहे उसमें जैन हो चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, तो इस समय नाके बराबर है यहाँ पर। ऐसा क्यों? ऐसा ही हो, ये नाम ही आपने धर्मपुरा सुना तो इसलिए हिंदू रहेंगे ज्यादातर। मतलब आप लोग तो नहीं मानते होंगे पीर बाबा को? नहीं मानते। तो उनके यहाँ पे जामा मस्जिद तो पास में ये, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? इससे कोई फर्क तो यहाँ पे मतलब मुस्लिम लोग सोचते नहीं कि हम यही बसे कि हमारे ना, पास मुस्लिम तो, मुस्लिम तो जब से यानी कि 200 साल 150 साल की तो यहाँ पे मुस्लिम का तो कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि ये जैनियों का आपने देखा ना 8-10 मंदिर है यहाँ पे, उसकी वजह से जैनी लोग ज्यादा रहा। अब तो 50% या 60% जैनी रह गए, यानी पहले तो 95% जैनी ही रहता था। 95 आसपास की जो लोकेशन है वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं? आसपास की जो लोकेशन पे अभी आपने यहाँ से अगर देखो गवर्नमेंट जी तो मनमोहन लोग रहते हैं, गुरुद्वारे के पास सरदार लोग रहते हैं, और बाहर हमारा गौरी शंकर मंदिर है वहाँ पे भोले के भक्त रहते हैं। अच्छा चांदनी चौक में खास बात यह है सारे धर्मों के लोग मिलेंगे, चाहे इसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई, सब धर्मों के यहाँ पे पांचों धर्म के यहाँ पे मंदिर। The idea of selecting this site was to bring out the essence of Shahjahanabad and how the site is situated in the middle of three distinctive cultural elements, which are Jain Mandir, Jama Masjid, and the Gurdwara.